गुरदासपुर पुलिस ने पूर्व अकाली मंत्री सेवा सिंह सेखवा के बेटे एडवोकेट जगरूप सिंह सेखवा और अकाली नेता कमलप्रीत सिंह पर अवैध माइनिंग का मामला दर्ज किया है। 5 साल पुराने मामले में विजिलेंस की तरफ से की गई जांच के बाद ये केस दर्ज हुआ है। गांव नेनीकोट के निवासी बलविंदर सिंह भिंदा ने अकाली सरकार पर मौके से अवैध माइनिंग को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी काफी लंबे समय से जांच चली। अब विजिलेंस की जांच पूरी होने के बाद ये केस दर्ज किया गया है। जो एदी विजिलेंस ब्यूरो वालों जी सिट बना के इनकुआरी की गई, इनकुआरी तो बाद हुण रिपोर्ट जी आई है, उन्होंने कहा कि ये इन्होंने वाकई ही सिद्ध हो गया कि इन्होंने इतों माइनिंग करते रहे, चोरी करते रहे। सो जो ये हूँ विजिलेंस की रिपोर्ट से FA No. 24 अंडर सैक्शन 379 IPC तो नाल 21 माइनिंग एक्ट का जो परचा जरा कल जो थाने भैनी मी अखा दर्ज किया गया। उधर अकाली नेता कमलप्रीत सिंह का कहना है कि उस पर सियासी दबाव के कारण केस दर्ज किया गया है। ये परचा जिहड़ा वा सियासी दबाव हेठ होया, क्योंकि मैं वर्करां दे नाल खड़न वाला इंसान हाँ और हर एक वर्कर दे नाल खड़दा, हर एक वर्कर नाल जिथे धक्का हुंदा उहदे नाल खड़दा हाँ। और जिहड़ी आने वाले इलैक्शन दे इहदे विच वी मैं चैलेंज कीता सी किसी का कागज जिहड़ा कैंसल नहीं हो दिता जाऊगा, पर जदों मैं पढ़िया कि एक उस इंसान वल्लों जिहड़ा आप ही 420 दे केस विच सज़ा जापता होवे, जिहड़ा लोकां नूं ठगियां मारन वाला इंसान होवे, वो बलविंदर सिंह भिंदे वल्लों परचा दर्ज किया, तो मैनूं तां हसो ही ना गई भई इहो जिहे बंदे नूं जिहड़ा समाज नूं निंद जिन्हों नकारदा होवे उहदे वल्लों मेरे ते परचा किया गया, यह बड़ी वड्डी सोची समझी साजिश है। राज्य में अवैध माइनिंग का मामला काफी गरमाया रहा है और अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गुरदासपुर से गुरप्रीत चावला, पंजाब केसरी TV।